ओके स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो सपोज करो ये मास एम है, ये मास जो है अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करता है, और उसी रीजन में अगर आप कोई दूसरा मास प्लेस कर देते हो तो उस पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इसी रीजन को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और सपोज ये मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तो इस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट फोर्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। एक यूनिट मास पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ जानेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड फर्स्ट केस ड्यू टू पॉइंट मास। तो सपोज यहाँ पर एक मास एम है और मुझको आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं पॉइंट पी पर एक यूनिट मास एम डैश प्लेस कर दूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एफ बाई एम। तो यहाँ मैं एफ का वैल्यू जी एम एम डैश बाई आर स्क्वायर बाई एम डैश कैंसिल हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास का वैल्यू हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे होलो स्फीयर दैट इज सेल। सपोज ये होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, केस फर्स्ट दैट इज इनसाइड द सेल व्हेन आर इज स्मॉलर देन आर। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन को स्किप करेंगे और रिजल्ट याद रखेंगे। इनसाइड द सेल ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। केस टू दैट इज सरफेस व्हेन आर इज इक्वल टू आर, ई सरफेस इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। केस थर्ड दैट इज आउटसाइड द सेल व्हेन आर ग्रेटर देन आर, तो E outside is equal to gm by r square, that is E inversely proportional to r square. अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो यू गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, और सरफेस के बाद वो इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। तो सॉलिड स्फीयर के लिए फर्स्ट केस जो है वो है इनसाइड व्हेन r इज स्मॉलर देन r, E inside is equal to gm by r cube into gravitational field जो है वो directly proportional है to distance from center। Case 2 जो है वो है surface, when r को आप replace कर दो capital R से, तो you get the result E surface is equal to gm by r square। Third case when r is greater than radius of cell, तो इस केस में आप रिजल्ट आ जाएगा ई आउटसाइड इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अगेन हम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग में लीनियर रिलेशन है, दैट इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद जो है ये इनवर्स रिलेशन है, एज यू कैन सी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका अर्थ है वो एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग केप्लर के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, दैट इज एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्टिकल पाथ एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल पाथ है और टू पोजिशन है आर वन एंड आर टू विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू। ए एंड बी पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करेंगे, दैट इज एल ए इज इक्वल टू एल बी, बट एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, दैट इज एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू। तो एम गेट कैंसिल, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन इज द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से रिलेटेड थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के टाइम पीरियड से सेम होता है, डेट इज 24 आवर होता है। सेकंड पॉइंट जो है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो स्पीड होता है और अर्थ का स्पीड जो होता है वो सेम होता है, डेट्स में इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अर्थ के अराउंड जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करता है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग केप्लर का थर्ड लॉ यूज कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज क्यूब रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दैट इज टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन पर पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग टू आर प्लस आर लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से होता है। एंड फाइव आर प्लस आर, थ्री आर बाई सिक्स आर पर पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू पर पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन बाई रूट टू स्क्वायर, थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन बाई रूट टू क्यूब इज इक्वल टू वन बाई टू रूट टू। बट जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, टाइम पीरियड जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर 24 आवर होता है। दिस मीन्स दैट टी वन इज इक्वल टू 24। अब वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, टी टू का वैल्यू फाइनल जो आएगा
आएगा 6√2। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले जानेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। तो यहाँ पर अगेन सेम प्रॉब्लम, डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया फॉर यूनिट मास। तो अगर हम लोग डिस्कस करें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, तो सपोज ये मास m है और मुझको r डिस्टेंस पॉइंट p पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन स्किप करते हैं और रिजल्ट याद रखते हैं। v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg मासेस को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर लोकेट किया गया है, लाइक 1, 2, 4, 8, 16 अप टू इन्फिनिटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ए। तो फर्स्ट मास की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर। तो फर्स्ट मास के लिए हो जाएगा माइनस जी, मास इज 2 kg एंड डिस्टेंस इज 1। सेकंड मास के लिए बात करें तो माइनस जी इंटू 2 बाई डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 2। थर्ड मास के लिए हो जाएगा माइनस जी एम बाई डिस्टेंस इज 4, लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी। तो आप इसमें माइनस 2g कॉमन करेंगे तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सीरीज है। इसमें आप देखो कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 है। तो आपको पता होगा जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो होता है a बाई 1 - r। यहाँ जो a होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो v इज इक्वल टू माइनस 2g, फर्स्ट टर्म है 1 और इनका कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1, यू गेट 1/2। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है 1/2। तो आप वैल्यू पुट करें, यू गेट द आंसर -4g। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन में लाइट को पार्टिकल ट्रीट करते हो और पार्टिकल मीन्स फोटोन, तो ब्लैक होल से ये लाइट पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो एस्केप वेलोसिटी का। ओके, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर, डेट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाई आर, डेट इज r इज इक्वल टू 2gm बाई वी स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इज 5.98 इंटू 10⁻², स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो 8.86 इंटू 10⁻³ आएगा, जिसको हम लोग राउंड फिगर में लिखेंगे 10⁻²- मीटर। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करें तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो फॉर्मूला होता है mvr। तो क्योंकि आपका पाथ जो है वो एलिप्टिकल है, दैट्स व्हाई आपका आर का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वैरी कर रहा है, दैट्स व्हाई योर एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो वैरी। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये करेक्ट है क्योंकि एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर, दैट्स व्हाई आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो वैरी कर रहा है। डी ऑप्शन में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो हमेशा कंजर्व होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेरिएशन ऑफ जी। ओके, आपने जी का फॉर्मूला पढ़ा है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो नियर टू आर सरफेस होता है, डेट इज जब आपका हाइट का वैल्यू जो है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ आर। ओके, मगर सेकंड केस अगर हम लोग बात करें विद हाइट, व्हेन एच इज कम्पेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, उस केस में फॉर्मूला होता है जी एस इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और थर्ड केस हम लोग बात करें विद डेप्थ, तो डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता है जी डी इज इक्वल टू जी 1 - डी बाई आर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए डी का वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल ग्राफ को ड्रॉ करें तो आप ये देखो सेंटर पर तो 0 है, और नेक्स्ट डेप्थ के लिए ये डायरेक्ट रिलेशन है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, और हाइट के लिए जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो ओवरऑल आप स्टार्टिंग में ग्राफ जो है वो लीनियर होगा और फिर ये इनवर्सली डिक्रीज करेगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये जान ले कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज करता है, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मगर यहाँ पर अगर मैं एक कंडीशन अप्लाई कर दूँ कि इफ एच इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, और क्वेश्चन में आपसे वेरिएशन के बारे में पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हाइट का वैल्यू जो है वो 1 किलोमीटर है और आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर होता है। अगर आप इस डेटा को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला बनाते हैं इसके लिए, और वो अप्रोक्सीमेट फार्मूला होता है जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर। ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब एच का वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कॉम्पेरिजन में बहुत स्मॉल हो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पार्टिकुलर हाइट पर और डेप्थ पर जी का वैल्यू सेम है, डेट इज जी एच इज इक्वल टू जी डी। तो जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर, जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर। आप इसको सॉल्व करें, यू गेट द रिजल्ट डी इज इक्वल टू टू एच, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच का वैल्यू जो है वो 1 किलोमीटर है, तो यू गेट द रिजल्ट 2 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम लोग केप्लर के सेकंड लॉ को यूज करेंगे। फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस मीन्स दैट वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अकॉर्डिंग टू फिगर आर ए इज स्मॉलर देन आर बी इज स्मॉलर देन आर सी, इनवर्स रिलेशन है, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। बट यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दिस मीन दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो जो वी का रिलेशन है वही काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन होगा, तो यू गेट द रिजल्ट के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी। तो इस क्वेश्चन में वेट के वेरिएशन की बात हो रही है विद डेप्थ, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पता है by depth का फॉर्मूला होता है जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर। अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेरिएशन ऑफ वेट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डी बाई आर, डब्ल्यू इज बेसिकली द वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 200 न्यूटन है और आपका जो डेप्थ है वो r बाई टू है, ये वैल्यू आप पुट करो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 201 माइनस आर बाई टू बाई आर इज इक्वल टू 201 माइनस 1 बाई टू, यू गेट द रिजल्ट 100 न्यूटन। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।